फ्रेंड गुड मॉर्निंग जोहार, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे फ्रेंड। और जोहार मानती जी का चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। तो इधर देख सकते हैं फ्रेंड, अभी मैं पनीर काट रही हूं और आज मैं पनीर का ही सब्जी बनाऊंगी। और बाबू का फरमाइश है कि पनीर बिरयानी बना देना मम्मी बोल के, क्योंकि आज है 25 तारीख और आज बाबू चला जाएगा। जैसे कि आप लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे कि 24 तारीख को बेटी गई है और 25 तारीख को बेटा जा रहा है। तो अभी ये शाम का ट्रेन है इसका, तो अभी मैं सोची कि चलो अभी जल्दी जल्दी से मैं बना देती हूँ। तो मेरा घर का काम पूरा मैं कर ली हूँ और बाबू भी स्कूल से आ गया है। अभी 11:30 बज रहा है, वो लोग का पेपर चल रहा था तो पेपर दे के आ गया है 11:30 बजे। उसके बाद ही मैं सारा चीज़ बना रही हूँ क्योंकि शाम को अभी निकलना है 3 बजे तक। तो इधर देख सकते हैं कढ़ाई में भी मैं तेल डाल दे रही हूँ और तेल इधर गर्म हो गया है, तो पनीर को फटाफट मैं फ्राई कर लूँगी। और अभी घर पे इतना ज़्यादा सुना लगेगा क्योंकि अभी बेटी ही गई है, तो घर एकदम सुना सुना लग रहा था। तो अभी तो बाबू भी चला जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा सुना लगेगा, तो अच्छा तो नहीं लग रहा है, मगर क्या करें, बच्चे लोग का मतलब खेल कूद और शौक़ को भी कभी कभी पूरा करना चाहिए इस तरह का। तो इधर देख सकते हैं अभी मैं पनीर फ्राई कर रही हूँ। और अभी मौसम तो इतना ज़्यादा मतलब गर्मी वाला मौसम है, और बाहर निकलो तो बाहर तो इतना अच्छा मौसम लग रहा है क्योंकि एकदम बादल बादल किया है और हवा चल रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है बाहर में। और किचन में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड, अभी मैं पूरा पनीर को फ्राई कर लेती हूँ। और आप मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँच जाएगा फ्रेंड। तभी इधर देख सकते हैं पनीर मेरा फ्राई हो ही रहा है और एकदम ताज़ा पनीर है, इसीलिए पूरा भी पानी निकल ही रहा है पनीर से। और सुबह सुबह एकदम ताज़ा वाला ही पनीर मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है, कच्चे भी खाने से यानी कि मीठा मीठा लगता है इस तरह से। और इधर देख सकते हैं प्याज भी मैं काट के रख ली हूँ इसका प्यूरी बनाने के लिए। और इधर देख सकते हैं फ्रेंड, पूरा मेरा पनीर फ्राई हो चुका है। अब मैं इसी तेल में सब्जी बनाऊंगी। तो अक्सर मैं इसी तरह से करती हूँ, ये तेल को फेंकती नहीं हूँ मैं, इसी में फिर फ़ौरन में डाल दी हूँ। इधर प्याज भी पीस के रखी थी मैं, तो सारा चीज़ को डाल के फिर इस तरह से फ्राई करूँगी। और इस तरह से भी जल्दी जल्दी मैं बनाने का कोशिश कर रही हूँ क्योंकि भी इतना ज़्यादा काम पड़ा हुआ है, बाबू का भी पैकिंग भी मैं नहीं की हूँ और कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा है, मगर फिर भी मतलब थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। और इधर देख सकते हैं प्याज भुंजा गया था, तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दी हूँ मैं। और डालने के बाद इधर पूरा मेरा जो घर का बेसिक मसाला है उसको डालने के बाद मैं इधर टमाटर का प्यूरी भी डाल दे रही हूँ ताकि मसाला जले ना, और मटर भी साथ में डाल दी हूँ ताकि मटर से भी जो पानी रहता है वो अच्छे से मसाला मतलब भुंजा जाएगा बोल के। इधर देख सकते हैं मसाला भुंजाने के बाद मैं पानी डाल दी हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा ही मैं डालूँगी पनीर, क्योंकि पनीर बिरयानी भी बनाना है तो बस इसको 2 भाग में अभी बांटना है। Thank you.
और इधर देख सकते हैं फ्रेंड, अभी बिरयानी चढ़ाने के बाद मैं किचन को भी थोड़ा सा क्लीन कर ली हूँ। उसके बाद आ गई हूँ बेडरूम, जो कि बाबू का भी बैग पैक कर दे रही हूँ मैं, और सारा चीज़ मैं एक जगह ही रखी हूँ। कपड़े से लेके नाश्ता उस्ता जितना भी है सारा चीज़ को मैं रख दी हूँ, ताकि इधर जब तक मैं इधर कपड़ा मोड़ते रहूँगी तब तक उधर बिरयानी भी बन के रेडी हो जाएगा, 30-35 मिनट में बन जाएगा। और इधर देख सकते हैं अभी बाबू के लिए जितना भी कपड़ा है सारा मैं डाल दे रही हूँ, और अभी सिर्फ 5-6 दिन का ही बात है तो इसीलिए ज़्यादा कपड़ा भी मैं नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा बहुत ही डाल रही हूँ दो दो सेट करके। और इधर बैग पैक हो गया है, अब जो नाश्ता है जैसे कुरकुरे चिप्स है वो सब मैं छोटा बैग में डाल दे रही हूँ, ताकि जब भी भूख लगे थोड़ा बहुत तो अपना निकाल के खा सकता है। और इधर कपड़ा जो पहन के जाएगा उसको भी मैं बाहर में रख दी हूँ। इधर देख सकते हैं फ्रेंड, सारा कपड़ा भी पैक हो गया है, और हस्बैंड जी भी बोल रहे हैं कि सब चीज़ अच्छे से पैक कर दी हो बोल के। तो और अभी मैं किचन आ गई हूँ फ्रेंड, जो मैं बिरयानी चढ़ा के गई थी तो बिरयानी शायद बन गया है, और क्योंकि 30 मिनट हो गया था, 30 मिनट से ज़्यादा ही हो गया था, और हस्बैंड जी गैस बंद कर दिए थे, बोल रहे थे कि मतलब हो गया है बोल के। और इधर दिखा रही हूँ मैं आप लोग को, देख सकते हैं बिरयानी एकदम खिला खिला बना है, और मैं डेली जो खाना बनाती हूँ चावल, वही चावल से मैं बिरयानी बनाई हूँ, कोई मैं स्पेशल बिरयानी चावल से नहीं बनाती हूँ, जो मेरे पास रहता है मैं उसी से बनाती हूँ। और इधर देख सकते हैं अभी मैं हस्बैंड और बाबू के लिए खाना लगा दे रही हूँ इन लोग के लिए, तो ये लोग भी अभी खाना खा लेंगे, तब तक मैं भी रेडी हो लूँगी जल्दी से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ही टाइम हो गया है, और अभी मतलब हर चीज़ जल्दी जल्दी करते करते ही मतलब समय का तो पता ही नहीं चलता है, आप लोगों को भी पता है कहीं जाना रहता है तो इधर मैं खाना दे दी हूँ हस्बैंड और बाबू को, तो इधर ये लोग खाना उना खा लेते हैं। और बिरयानी को भी ठंडा होने के लिए मैं एक थाली में निकाल दी हूँ, क्योंकि अभी गर्म रहेगा तो फिर इसको बिरयानी तो रात को खाना है तो फिर पता चलेगा ख़राब हो जाएगा, इस तरह से हो रहा है क्योंकि अभी उमस वाली जो गर्मी है उसके कारण। और इधर मैं रेडी होके आ गई हूँ, और बाबू हमको ज़्यादा ही चिढ़वा रहा है, मतलब क्या बोले, एक बोल रहा है कि अब हम भी चले जाएंगे मम्मी, फिर आप बैठ के रोते रहना, क्योंकि घर में रहते हैं बच्चे तो दिन भर में बच्चे लोग को दिन भर ये कर दो करते रहती हूँ ना, इसीलिए बोल रहा है आप किसको बोलेगी, पापा तो जल्दी करेंगे नहीं, या इस तरह से मतलब बोल बोल के ही चिढ़वा रहा था। और इधर देख सकते, तो इधर रेडी हो गए हैं फ्रेंड, और अभी हम लोग चलते हैं, क्योंकि लग ही रहा था कि मतलब घर से थोड़ा सा लेट ही निकल रहे, इस तरह से मतलब इतना जल्दी जल्दी काम कर रहे थे फिर भी मतलब लेट हो ही जा रहा था, और इतना ज़्यादा मतलब उमस वाला ही गर्मी हो रहा है। और हम लोग का क्वार्टर से मतलब रेलवे स्टेशन थोड़ा सा दूर ही है, 1.5 घंटा लग जाता है। तो इधर देख सकते हैं अभी हम लोग जैसे रेलवे स्टेशन पहुँचे तो तुरंत एकदम ट्रेन खुल चुकी थी, फिर सर लोग जल्दी से बाबू को चढ़ाएं और फिर ट्रेन चली गई। देख सकते हैं इधर बच्चे लोग जितने भी ऐसी बोगी है सारे मतलब स्टूडेंट लोग ही ज़्यादा भरे हुए हैं बच्चे लोग। और इधर अभी ट्रेन बैठाने के बाद अभी हम लोग चलते हैं घर, और थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि अब घर में सिर्फ हम दोनों मियाँ बीबी ही बच गए हैं, क्योंकि अभी बच्चे दोनों ही चले गए हैं, बेटी तो कल गई थी और बेटा आज चला गया है, तो बस एक सप्ताह के लिए तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। और इधर देख सकते हैं पूरा एकदम रेलवे स्टेशन में पूरा खाली माल गाड़ी खड़ा हुआ है, और ये स्टेशन में अधिकतर माल गाड़ी ही खड़ा रहता है। और इधर देख सकते हैं फ्रेंड, जैसे ही सामने मार्केट लगता है तो सोचे कि चलो मार्केट थोड़ा घुसते हुए जाएंगे, मगर इतना ज़्यादा मतलब बारिश, अचानक बारिश होने लगा कि हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि अब गाड़ी से उतरो मत, चलो सीधे अब क्वार्टर चलते हैं, क्योंकि इतना तेज़ बारिश हो रहा था। और सिर्फ एकदम क्या बोले 10 मिनट भी नहीं आया था बारिश, मगर बहुत ही तेज़ बारिश था, जो कि देख सकते हैं पूरा रोड एकदम पूरा गीला गीला है। और इधर देख सकते हैं अभी पानी छोड़ दिया है तो पूरा एकदम गीला हो गया है, और बस हर जगह मतलब 10 मिनट जैसे ही बारिश हो रहा था। और अभी हम लोग भी घर पहुंचने वाले हैं, तो देखिए इधर अभी घर हम लोग पहुंच चुके हैं फ्रेंड, और हस्बैंड जी भी बोल रहे हैं कि अच्छा नहीं लग रहा है, और मेरे को तो और भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मतलब घर पूरा एकदम खाली खाली लग रहा है। और इधर मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ,
अभी बालकनी तरफ भी पूरा कपड़ा सब मैं डाल के गई थी, छत वाला कपड़ा सब तो भींग ही गया है, बालकनी का भी कपड़ा सब भींग गया है। तब सारा चीज़ को भी मैं फिर से सरियाऊंगी। और इधर हस्बैंड जी भी देख सकते हैं मेरा बालकनी का कपड़ा पूरा ही गीला हो गया, क्योंकि झटास वाला ही बारिश हुआ है लग रहा है। और इधर देख सकिए फूल पौधा पूरा गीला गीला हो गया है। तो चलिए फ्रेंड मैं वीडियो करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं आप लोग से एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।